राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान में उसने अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी रचाकर अंजू करीब 4 महीने बाद भारत आई। अंजू से फातिमा बनकर आई अंजू को सुरक्षा एजेंसियों ने लंबी पूछताछ की। अंजू ने अपने वापस आने की वजह बच्चों से मिलना बताया। इसके साथ ही अंजू की तरफ से कहा गया है कि अगर उसके बच्चे साथ जाने को तैयार होंगे तो वो उन्हें पाकिस्तान लेकर जाएगी। इसी बीच पाकिस्तान से नसरुल्ला का बयान भी सामने आया। नसरुल्ला का कहना है कि वो भी अंजू से मिलने के लिए भारत आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि नसरुल्ला का भारत आना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अंजू के पति ने दर्ज करवाई थी FIR। आपको बता दें कि जब अंजू बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी तब उनके पति अरविंद की तरफ से नसरुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। अब अगर नसरुल्ला भारत आते हैं तो FIR के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की जा सकती है। वहीं बच्चों की तरफ से मां अंजू से मिलने के लिए इनकार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिस सोसाइटी में अंजू रहती है उस सोसाइटी ने भी अंजू की एंट्री पर रोक लगा दी है। नहीं, मैं हैप्पी हूँ। पहले आप हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? दुबई शिफ्ट हो सकते हैं अंजू और नसरुल्ला। अंजू के पाकिस्तान से वापस आने के बाद दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया गया है, जिस वजह से अंजू वापस भारत आई है। हेलो, सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तक माशाल्लाह से आपने 2-3 माह गुजारे, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपका क्या राय है और आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम को, कितना आपको सपोर्ट मिला है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया है, जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर हो इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सारी। अच्छा, पाकिस्तान की जितने भी सोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, जितनी बड़ी सोर्स है, तो उसकी तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं है अभी तक? हाँ, मैं उनके बारे में भी जरूर बताऊंगी और मैं तारीफ भी करती थी, बोलती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो। उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई, वहां पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। वो सर थे जो भी हेड सर थे, उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना तरीके से बातचीत करना, बहुत सारा बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ, बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। बस हमारी भी दुआ है कि आप हमेशा जो पाकिस्तान इंडिया इसके लिए काम करें और इसकी अमन के लिए और एक दूसरे के अच्छे भाईचारे के लिए काम करें, हमारी दुआ आपके साथ है। आप जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर अंजू को पाकिस्तान जाने के लिए और नसरुल्ला को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलता तो वो दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से लंबी पूछताछ की थी। अंजू के भारत आने पर सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस की तरफ से लंबी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अंजू की तरफ से कहा गया था कि वो बच्चों से मिलने के लिए भारत आई है, वो उन्हें बहुत मिस करती थी इसलिए उनसे मिलना चाहती थी।